हेलो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम फिर से तिरुमला पहुंच चुके हैं। वहां से जपाली हनुमान मंदिर के बहुत ही अच्छे दर्शन के बाद बरसात भी आ रहा था और अभी भी आ रहा है धीरे से, लेकिन पेड़ होने की वजह से अपने ऊपर नहीं गिर रहा है। देख सकते हैं आप, नज़ारा बहुत ही अच्छा मज़ेदार है और थोड़ा ट्रैफिक भी है तिरुमला में, क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं इस समय में। तो अभी हम बढ़ रहे हैं टोल गेट की तरफ। पहुँचने से पहले हमें टोल गेट पहुंचना है, क्योंकि 7 बजे के बाद व्हीकल्स अलाउ नहीं की जाएंगी, फिर सीधा जो है सुबह के 5 बजे ही हम जा पाएंगे। इसलिए बहुत ही तेज़ी से हमें अभी टोल गेट पहुंचना होगा जल्द से जल्द, वरना जो है हम तिरुपति फिर से नहीं लौट पाएंगे। पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, ये है तिरुमला का नज़ारा। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है शाम के समय, थोड़ा क्राउड, पब्लिक क्राउड ज़्यादा है। और उस तरफ देख सकते हैं आप कि APSRTC का बस ड्राइवर किस तरह जाम कर रहा है और ट्रैफिक पुलिस भी संभाल रही है। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं जल्द से जल्द टोल पहुंचने का, सिक्योरिटी चेक पोस्ट पहुँचने का, क्योंकि अगर वो हमने पार कर लिया तो 17 किलोमीटर का जो घाट रोड का सफ़र है वो हम 40 to 45 मिनट्स में कंप्लीट करके तिरुपति ईजीली पहुँच सकते हैं, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। और सुबह जो मेरे साथ भैया हैं उन्हें भी कल ट्रेन बोर्ड करनी है। सो अभी जल्द से जल्द जाने का हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, आखिरकार हम चेक पोस्ट तक पहुँच चुके हैं और अभी जा रहे हैं, देखते हैं एंट्री मिलती है या नहीं। स्पेशली लेन 1 है टू व्हीलर के लिए, लेकिन हम लेन टू के अंदर ही चलते हैं, चलिए बस के पीछे पीछे। और ये पुलिस वाले ने चलो नहीं रोका, अभी हम जा रहे हैं, लग जाएगा हमें 40 to 45 मिनट्स के अंदर हम आराम से जो है तिरुपति पहुँच जाएंगे। ये भी अपने आगे बस चल रही है APSRTC की जो तिरुपति जाएगी, चल रहे हैं। अंधेरा भी हो चुका है और हमें ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स में पहुँच जाएंगे तिरुपति। श्रद्धालु अलीपीरी के रास्ते जो चढ़कर आते हैं, ये जो है ये अलीपीरी का रास्ता है, जो श्रद्धालु नीचे से पैदल यात्रा कर कर आते हैं उनके लिए वो रास्ता है जो मैंने दिखाया। तो अभी यहाँ से अलीपीरी मतलब तिरुपति सिटी 17 किलोमीटर की दूरी पर है जो हमें तय करना है। टोल गेट से हमें एंट्री मिल चुकी है और विद इन वैसे तो 28 मिनट्स का समय देती है TTD और यहाँ की पुलिस, तो हम आराम से 45 या 50 मिनट में ये जो रास्ता है हम तय करेंगे। और फ्रेंड्स, हम फ्यूल रिफिलिंग पेट्रोल तिरुपति से फुल टैंक करवा कर आए थे, तो अभी यहाँ अपन को कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से हम जपाली हनुमान मंदिर गए। लेकिन पाप निवास हम नहीं जा पाए, आपको आपने जैसा कि देखा कि बरसात भी बहुत ज़्यादा था, वरना ज़रूर मैं आपको जो पाप निवास हम भी दिखा देता कि किस तरह है। तो ये छोटा तिरुमला टूर था, इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। और अभी हम उतर रहे हैं, यहाँ क्या है जब नीचे जाते हैं तो टर्निंग्स में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि APSRTC के बस ड्राइवर्स बहुत ही रैश ड्राइविंग करते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं, आराम से पहुँच जाएंगे और अंधेरा भी इतना नहीं हुआ है, लेकिन जब तक हम नीचे जाएंगे तब तक अंधेरा भी हो जाएगा आराम से। अभी चल रहे हैं धीरे से और थोड़ी ठंड जैसी भी महसूस हो रही, क्योंकि इतना ऊंचा जो है, जैसा कि कहते हैं ना 7 पहाड़ों पर विराजते हैं बालाजी भगवान, तो हम 7 हिल्स को जो है पार करके फिर जो है तिरुपति पहुंचते हैं। तो आराम से हम पहुंच जाएंगे 7 पहाड़ों को क्लियर करके, और आगे की तरफ ये देख सकते हैं आप, ये रास्ता जो है हमें भी वहीं जाना है, हम भी वहीं जाएंगे, टाइम लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि हमें 7 हिल्स को कम्प्लीट करना है, 7 पहाड़ों को कम्प्लीट करके फिर जो है हम उस आगे वाले हिल में पहुंचेंगे। विश्वास नहीं होता मुझे कई बार। और ये जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं ये पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया है, अपने आगे APSRTC बस चल रही है, अगर ये हट जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कि जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये सभी पैदल यात्रा करके आ रहे हैं नीचे तिरुपति से, वो ये रास्ता जो है नीचे जो टॉल है उसके बाजू से गुजरता है, वहीं से लोग चढ़ कर आते हैं, देख सकते हैं आप। और ये कई सारे दुकानें भी हैं, कई शॉप्स हैं जहाँ से जो भी पैदल श्रद्धालु आते हैं वो उनके खाने पीने की व्यवस्था है, पे कर जो भी कुछ है ले सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम विशाल द्वार, लाइटिंग बहुत मज़ेदार है,
ये अपन को जो आगे वाली पहाड़ से नजर आता है ये वही वाला द्वार है। उतरते समय हमने और एक स्टॉप लिया है, पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ रुकना बहुत ही खतरनाक है, लेकिन आपके लिए मुझे शॉट लेना था सो ले रहा हूँ। पीछे की तरफ पूरी तिरुपति सिटी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा नजारा है। और जो है तिरुमला जहाँ मैं घूमना था वहाँ तो घूम नहीं पाया क्योंकि भारी बरसात का मौसम था और बरसात शुरू भी होने वाली थी जल्द, इसीलिए हमें वहाँ से लौटना पड़ा। तो अभी आखिरकार हम तिरुपति सिटी में जो है पहुँच चुके हैं। बहुत ही रोमांचक मज़ेदार सफ़र रहा। तो जो भी चैनल पर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मैं हर रोज़ लेकर आता हूँ आपके लिए एक नई जर्नी, एक नया ब्लॉग। इसी के साथ का भी नजारा देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा रोटेट करके। तिरुपति सिटी का भी नज़ारा हम देख लेते हैं क्योंकि तिरुपति स्मार्ट सिटी डिक्लेयर हुई है, तो अभी काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है जिसकी वजह से ट्रैफिक भी प्रभावित है। तो फ्रेंड्स अभी हम तिरुपति सिटी पहुंच चुके हैं और अपने आगे वही APSRT की स्लो मोशन खच्चर बस चल रही है क्योंकि तिरुपति में ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। तो क्योंकि तिरुपति में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, राइट साइड आप देख सकते हैं बीच में गरुड़ा वर्दी फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट जो चल रहा है, जिसके कारण तिरुपति में ट्रैफिक आने वाले 2.5 साल तक ट्रैफिक झेलना पड़ेगा, उसके बाद जो है ट्रैफिक से राहत मिल जाएगी क्योंकि तिरुपति स्मार्ट सिटी डिक्लेयर की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट। बता देता हूँ तिरुपति की बहुत ही जोर की ट्रैफिक है, आप देख सकते हैं तिरुपति की भरपूर ट्रैफिक। One, two, three, नारी नारी हम।